बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। झारखंड में जितने भी परीक्षा होती है, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट और जो भी परीक्षाएं झारखंड में होती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सेट काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और खूब बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, जयपाल सिंह, जे बर्थोलेमन, डॉक्टर एंडू कंपवेल और गणपत पांडेय। तो इसका सही जवाब है कि झारखंड आंदोलन का जनक जो है वो जे बर्थोलेमन को माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी झारखंड में आंदोलन हुआ है झारखंड से संबंधित, वो सारा इंपॉर्टेंट आंदोलन को इस क्वेश्चन में कवर करने का कोशिश किए हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी? तो देखिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा और झारखंड पार्टी। तो पहला जो ऑप्शन है ये सही है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है? तो पहला देखेंगे, जे बर्थोलेमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे, सही बात है, ये सही है। दूसरा है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में बाद में शामिल लोगों ने जे बर्थोलेमन को इस संगठन से अलग कर दिया, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर तीन जो है, इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था, ये भी सही है। और चौथा, जे बर्थोलेमन संत पॉल स्कूल रांची के अध्यक्ष रहे थे, ये गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि बाकी सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया? आपके पास चार ऑप्शन है, तो छोटा नागपुर समाज का गठन वर्ष 1915 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फाइव। 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के किस सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था? अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिशप कैनेडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? ये देखिए, आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एग्जाम लेती है उसमें ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो वर्ष 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 में। ये क्वेश्चन देखिए, जेएसएससी सीजीएल और मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो जितना तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो सारा क्वेश्चन हम इस चैप्टर में आज के वीडियो में कवर करने का कोशिश किए हैं।
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया था तो वहां के जनजातियों के द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा डेलीगेशन पर रखी गई थी? तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये छोटा नागपुर उन्नति समाज झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन था? देखिए चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से झारखंड का पहला संगठन कौन सा था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्वेश्चन पहले एक बार फिर से सुनिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है झारखंड में कि आदिवासी नामक जो पत्रिका है वह किस भाषा में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी नामक जो किताब है वह मुंडारी भाषा में प्रकाशित की गई थी। और क्लियर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये जरूर आप याद रखेंगे कि आदिवासी नामक जो किताब था वह मुंडारी भाषा में प्रकाशित की गई थी। क्लियर, अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? देखिए झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, लेकिन झारखंड राज्य का जो एक अलग अपना मांग है वो साइमन कमीशन के समय से ही मांगा जा रहा था। क्लियर, साइमन कमीशन जब आया था यहाँ पर उसी समय से मांगा जा रहा था, तो वर्ष 1928। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ये देखिए JSSCGL में PT में ये क्वेश्चन आ चुका है वर्ष 2012 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? इनमें से किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है जुएल लकड़ा और बाम ह्यूक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया था? यानी कि झारखंड राज्य को मांगने के लिए, झारखंड एक अलग राज्य मांगने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था वर्ष 1928 से ही। अभी हम लोग सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं उन्नति समाज, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। इसके बाद फिर हम लोग जितना भी आंदोलन है ना वो इसमें अभी कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका JSSC JPSC जैसे एग्जामों में छूटेगा नहीं, इसलिए आप इसको खूब बढ़िया से देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 15। छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर कुछ सदस्यों ने किसान सभा का गठन कब किया था? तो इसका सही जवाब है 1930 में किसान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे? ये जो किसान सभा था इसका प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे? तो ठेबले उराव और पाल दयाल इसके प्रथम अध्यक्ष थे ठेबले उराव और प्रथम सचिव थे पाल दयाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर, झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना किस सभा का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब है किसान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कब किया गया?
ताकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की जा सके। राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के दृष्टिकोण से वर्ष 1935 में यह दोनों ही संगठन आपस में मिल गए थे और राजनीतिक पार्टी बना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हेतु एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो साइमन कमीशन से ये लोग मिले थे। यह परीक्षा देखिए टीजीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि देखिए सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन बगल में नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में लिखते चले गए हैं ताकि आपका भी मन लगा रहे कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जितना भी क्वेश्चन अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं या अभी देखेंगे वो सारा किसी न किसी परीक्षा में आया है या फिर आने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। वर्ष 1933 ईस्वी में इनमें से किस सभा का गठन किया गया था? वर्ष 1933 ईस्वी में यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस सभा का गठन किया गया था? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महासचिव कौन थे, इनमें से कौन थे? तो सही जवाब होगा बेनिफिस लकड़ा तथा इग्नेस बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रथम उद्देश्य क्या था? तो कैथोलिकों के हित का रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? क्लियर, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1938 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 5 संगठनों को मिला करके। फिर से क्वेश्चन सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो 5 संगठनों को मिलाकर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इनमें से सभी थे, इनमें जो भी है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ये तीनों थे। हालांकि 5 संगठनों को मिलाकर के, 5 लोगों को नहीं, 5 संगठनों को मिलाकर के, 5 संगठनों को मिलाकर के छोटा नागपुर संथाल परगना का स्थापना किया गया था, जिसमें से 3 ये ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है थियोडोर सुरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जो आंसर होगा वह है बंदी राम उराव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? इसका सही जवाब है पॉल दयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कब कर दिया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में देखिए सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है जनवरी 1939। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आदिवासी महासभा के प्रमुख नेताओं के आग्रह पर जयपाल सिंह मुंडा इस महासभा का अध्यक्ष पद कब धारण किए? यानी कि जयपाल सिंह मुंडा जो है वह आदिवासी महासभा के प्रमुख नेता अध्यक्ष कब बने? तो 1939। क्वेश्चन नंबर 31,
आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रांची में जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर बहुत सारा ये पार्क वगैरह है, फिर ये मैदान वगैरह है, पार्क है, बहुत सारा कुछ है इनके नाम पर, मोमेंटो है सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? इसका सही जवाब होगा मरंड गोमके। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? तो आदिवासी महासभा इनका, जयपाल सिंह के द्वारा गठित जो झारखंड पार्टी थी उसका प्रारंभिक नाम शुरू में क्या था? आदिवासी महासभा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये कांस्टेबल 2016 में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 जो है वह फोर्थ जेपीएससी 2011 में ये पूछा जा चुका था। झारखंड पार्टी के संस्थापक सदस्य इनमें से कौन थे? तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से क्वेश्चन देखिए, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है सैमुअल पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदन किसने दिया था? ये सारा काम जो है अंग्रेजों के समय हो रहा था, तो A.N. दीक्षित के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। 1939 ईस्वी में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? इसका सही आंसर है 16 सीटों पर जीत मिली थी। क्वेश्चन नंबर 38। आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन से मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित? फिर से क्वेश्चन सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जब मुस्लिम लीग का नाम आ जाएगा तो ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिर से क्वेश्चन देखिए, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन से मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह को। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद रांची का चीफ वार्डन का पद किसे दिया गया था? तो जयपाल सिंह को रांची के चीफ वार्डन का पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41। 1939 ईस्वी में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटें मिली थी? तो इसका सही जवाब है 22 सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। देश की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन जयपाल सिंह की अध्यक्षता में रांची में कब आयोजित किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है रांची। फिर से क्वेश्चन सुनिए, झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45। मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? यानी कि बंगे इस्लाम पार्टी बनाने का सुझाव
किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा रगीब एहसान नामक व्यक्ति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46। 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग की सहायता से कौन संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? इसका सही जवाब होगा जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 47। 1 जनवरी 1948 को निम्न में से कहां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 को कहां गोलीकांड की घटना की गई थी? तो खरसावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। खरसावा गोलीकांड के बारे में सही कथन का चयन करें। इसमें से जो जो सही है उसको चुनना है हम लोगों को, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, पहला पढ़ते हैं कि क्या सही है कि नहीं। तो खरसावा महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावा हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था, तो ये सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इस जनसभा में झारखंड, अबुआ उड़ीसा, जारी कबुआ का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शित किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। जनसभा में उड़ीसा पुलिस के द्वारा इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें सौ से अधिक लोग मारे गए थे और 400 से अधिक लोग घायल हुए थे, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा कि सभी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। खरसावा गोलीकांड के बारे में गलत कथन का चयन करें, ठीक है? गलत कथन इसमें से कौन है? तो 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक 139 दिन तक यह क्षेत्र उड़ीसा के अधीन रहने के बाद बिहार प्रांत में मिला दिया था, ये सही है। दूसरा, सरायकेला खरसावा को सिंहभूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का दर्जा दिया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही है, ठीक है? इसमें से गलत कथन कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा ने किस पार्टी का गठन किया था? जस्टिन रिसर्च और जयपाल सिंह मुंडा ने दोनों मिलकर किस पार्टी का गठन किया था? तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था? तो अभी जस्ट बताए थे जस्टिन रिचर्ड और देखिए यहाँ जयपाल सिंह मुंडा, यही 50 नंबर क्वेश्चन को ही 51 में भी थोड़ा सा सेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के जो संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, हम ये बोल रहे हैं झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया, ये नहीं बोल रहे हैं कि झारखंड कब स्थापना हुआ, ये नहीं बोल रहे हैं, या झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, ये क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन यहाँ है झारखंड पार्टी, जैसे जेडीयू पार्टी है, लालू यादव का पार्टी है आरजेडी, इसी तरह का झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है वर्ष 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? आदिवासी महासभा का, तो झारखंड पार्टी ही पहले की आदिवासी महासभा थी, आदिवासी महासभा पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड पार्टी का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। तो जयपाल सिंह मुंडा, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56। झारखंड पार्टी के बारे में गलत कथन का चयन करें। इसमें से गलत क्या है झारखंड पार्टी के बारे में, वो हम लोग को बताना है। देखिए पहला पढ़ते हैं। 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई थी, सही बात है। दूसरा है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्दा था, इसे 33 सीटों पर प्राप्त हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1952
ईस्वी के आम चुनाव में इस पार्टी का नारा था झारखंड अगुआ डाकू दीपू सेनुआ, सही बात है। 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 जबकि 1962 के चुनाव में 10 सीटों पर विजय मिली थी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो हम लोग को गलत कथन छाटना था, तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 1952 तथा 1957 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाली झारखंड पार्टी के नेता कौन थे जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के भी नेता रहे थे? तो इसका सही जवाब है सुनील सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? इसका सही जवाब है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, 1957 ईस्वी में जयपाल सिंह के आग्रह पर बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? इसका सही जवाब है मीनू मसानी ने। क्वेश्चन नंबर 60, 5 फरवरी 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम कहां आई थी? इसका सही जवाब होगा रांची आई थी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, धैर्यपूर्वक क्वेश्चन में बने रहिए क्योंकि 126 क्वेश्चन का सेट है, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव किया गया था? तो इसका सही जवाब है 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था झारखंड अबुआ डाकू दीपू सेनुआ, झारखंड हमारा है दीपुओं को जाना पड़ेगा, ठीक है? यह नारा कब दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो झारखंड पार्टी के द्वारा दिया गया था। 7th से 10th जेपीएससी तक लगातार पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 7वां 8वां 9वां 10वां सब में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड पार्टी के मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो आदिवासी महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था? इसका सही जवाब होगा सीताराम जगत राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बिहार के कुल कितने जिले शामिल थे? ऑप्शन देखिए कितना होगा, तो 7 जिले शामिल थे, ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, झारखंड पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर फिलअप करेंगे के हस्तक्षेप पर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो विनोदानंद झा के हस्तक्षेप पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, 1963 में कांग्रेस में किस पार्टी का विलय इनमें से किस पार्टी का विलय 1963 में कर लिया गया था? जल्दी सोच करके बताइए कौन सी पार्टी हो सकती है, तो इसका सही जवाब है झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, विनोदानंद झा के सरकार में जयपाल सिंह फिर से क्वेश्चन सुनेंगे विनोदानंद झा के सरकार में जयपाल सिंह किस विभाग के मंत्री रह चुके थे? तो इसका सही जवाब है सामुदायिक विकास मंत्री। क्वेश्चन नंबर 69 में जयपाल सिंह मुंडा ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था? 1969 में जयपाल सिंह मुंडा ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, तो कांग्रेस पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 70, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी
जहां आरा किस विभाग में मंत्री थी, तो परिवहन और विमानन विभाग में। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब किया गया था, तो सही जवाब होगा 1954। क्वेश्चन नंबर 72, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही जवाब है सुखदेव महतो। 6th जेपीएससी में ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। सुखदेव महतो के बाद छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष पद किसे मिला, इसका सही जवाब है राम नारायण खरगो को। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से किसे शेरे छोटा नागपुर भी कहा जाता है, शेरे छोटा नागपुर किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा राम नारायण खरगो को। क्वेश्चन नंबर 74, राम नारायण सिंह को कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सी उपाधि दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरे छोटा नागपुर टाइगर की उपाधि दी थी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, किसके द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दिवस वर्ली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर युवा संघ, बिरसा सेवा दल, ये था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, बिरसा सेवा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामा शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला छात्र संगठन था, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए घुमाकर कि झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन सा था, तो बिरसा पार्टी, बिरसा पार्टी था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, बिरसा सेवा दल का गठन किस पार्टी से विभाजित होकर किया गया था, यानी किस पार्टी से अलग होकर के बिरसा सेवा दल का अलग पार्टी बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी महासभा से अलग हुआ था ये और बनाया था बिरसा पार्टी। 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो मनोहर कुजूर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, किस वर्ष अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया था और इससे टूटकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया गया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बाबन सुब्रमण्य ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया, तो इसका सही जवाब है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। क्लियर, ये क्वेश्चन देखिए आईआरबी 2017 में, टीजीटी 2017 में, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गया सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, देखिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, एन ई होरो किस से संबंधित है, एन ई होरो का जो संबंध है वह किससे है, तो झारखंड पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर देखिए एसआई की परीक्षा पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, एन ई होरो वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 1969 ईस्वी में हुल झारखंड पार्टी का गठन, हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही जवाब है एन ई होरो के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 86 फूल झारखंड पार्टी को और किस नाम से फूल झारखंड पार्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है क्रांतिकारी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 87 फूल झारखंड पार्टी किस क्षेत्र में सक्रिय थी, फूल झारखंड पार्टी किस क्षेत्र में सक्रिय थी, तो इसका सही जवाब है गिरिडीह में या बहुत ज्यादा सक्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 88 फूल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1970 में। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 91 विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन कब किया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किसने किया था, तो शिबू सोरेन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस पार्टी का नेतृत्व किया गया था, तो इसका सही जवाब है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया था या लाल खंड का नारा गढ़ा था, तो एके राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख लक्ष्य क्या था, महाजनी प्रथा का विरोध करना। 98 देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो शिबू सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव किसे चुना गया था, तो एके राय। क्वेश्चन नंबर 100 शिबू सोरेन एवं एके राय ने झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु देखिए क्वेश्चन नंबर 100 शिबू सोरेन एवं एके राय ने झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का जुलूस कब निकाला था, तो 78 में। क्वेश्चन नंबर 101 झामुमो के द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन कब किया गया, तो इसका सही जवाब है 80 में। क्वेश्चन नंबर 102 रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को कितने सीटों पर जीत मिली थी, तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 झारखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 90 के दौर में किया गया था। आशू पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया, आशू पार्टी जो कि सुदेश महतो का है, इसका गठन कब किया गया,
88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। आजसू पार्टी का प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की तथा प्रथम महासचिव किसे बनाया गया? तो निर्मल महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। किसने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की? खून के बदले खून रणनीति की घोषणा किसने की? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107। असम के आंसू की तर्ज पर किस पार्टी का गठन किया गया था? तो आजसू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108। आजसू पार्टी ने खुद को झामुमों से पूरी तरह कब अलग कर लिया? कब अलग कर लिया था, देख के बताइए, अगर किसी को आता है तो। आजसू पार्टी ने खुद को झामुमों से पूरी तरह कब अलग कर लिया? 89। शायद डी में, इसमें कंफर्म नहीं है हम। 108 नंबर को आप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 108 को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1919। क्वेश्चन नंबर 110। झारखंड समन्वय समिति का गठन रामगढ़ में किस वर्ष किया गया था? झारखंड समन्वय समिति 1988। क्वेश्चन नंबर 111। झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे मनोनीत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी होगा, एके राय। चलिए काफी थक चुके हैं, और 20 क्वेश्चन देखना है। चलिए लगे रहिए, वीडियो पसंद आए शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा है इस तरह का वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 112। झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये देखिए, 23 अगस्त 1988 को। क्वेश्चन नंबर 113। झारखंड विषयक समिति का संयोजक, विषयक समिति का जो संयोजक था वो कौन था? बी एस लाली। क्वेश्चन नंबर 114। किस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्रीय क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी? इसका सही जवाब है झारखंड समन्वय समिति। क्वेश्चन नंबर 115। सरकार के द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का कब बनाई गई थी? तो 1995। क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस वर्ष बिहार से अलग करके एक वनांचल राज्य के गठन की मांग की गई? तो 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। बिहार विधानसभा में किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1999। क्वेश्चन नंबर 118। बिहार विधानसभा में किस वर्ष बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक स्वीकृत किया गया था? तो वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 119। झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान किया था? तो ज्ञानी जता सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120। किस तिथि को राज्यसभा से झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 मई 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121। झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी,
क्वेश्चन नंबर 123 अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब है ठेबले उरांव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124 इस वर्ष मार्क्सवादी को ऑर्डिनेशन कमिटी के द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी तो 1981 में। तो 124 क्वेश्चन का सेट ये पूरा कंप्लीट हो गया। खूब बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देख रहे हैं मेहनत बहुत ज़्यादा है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना खूब बढ़िया से ख्याल रखिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए, एग्जाम को क्रैक जरूर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।